आज की मांग को लेकर के इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है। जैसा कि आज राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी बनाने के बाद उत्तर प्रदेश संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है। हमारे बहुत ही पुराने मिशनरी साथी, जिनका लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में काम करने का अनुभव था, श्री सुभाष चंद्र लहरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो हमारे दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं पर पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में बामसेफ के तर्ज पर कैडर दे करके कार्यकर्ताओं को कैडराइज किया जाता था, उसी प्रकार से हमने राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी में अपना बुद्धिजीवी संगठन बनाया है, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ रखा है। और इसमें मानवर काशी राम जी के अभिन्न सहयोगी रहे पुराने बामसेफ के अनुभवी संगठक श्री विनोद मिलिंद जी को इसका मुख्य प्रेरक बनाया गया है। और वहीं पर दूसरी ओर श्री श्यामलाल गौतम जी, जो पुराने बामसेफ के कैडर रहे हैं, उनको सह मुख्य प्रेरक की भूमिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रही बात इंडिया अलायंस को साथ देने का, तो राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने फैसला किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तथा देश में बढ़ी हुई महंगाई पर रोक लगाने, नौजवानों को रोजगार दिलाने, किसानों को इंसाफ दिलाने, व्यापारियों को शोषण से मुक्त कराने, जातवार जनगणना कराने आदि की मांग को लेकर के इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना शर्त सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है।